तो भाई ये है 101 किलो का डंबल। सोचे थे वीडियो का टाइटल वीटल सब ये रख दिया, वेट ही ना होते रहे जो भेजते। मैं पहले अपने नहीं बढ़वाना चाहता ना। मेरा मनु से भरोसा उठ जाएगा अगर मनु से ये बोला। हे गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है सबका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आया हूँ एक और नए जिम में। तो इस जिम में मैं बेसिकली इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल डंबल है जो मुझे आप सबको दिखाने हैं। पहले मैं वो डंबल दिखा देता हूँ आपको, चलो उधर ही होंगे ना। और वर्कआउट हम किसके साथ कर रहे हैं आज? मनोज को अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 घंटे फिर से वेट करवा दिया। कल मैंने वीडियो में बोला था कि मैं पक्का टाइम से आऊँगा 1 बजे, लेकिन मैं नहीं आ पाया। पर मैंने उसकी भरपाई इसको नारियल पानी पिला के कर दिया। तो बता दे भाई, पिलाया ना? बदला लिया जाएगा। भाई एक नारियल पानी पिला के मैं भी वेट कर लूंगा। आ जाओ आ गया तो जो घुमाया भी नहीं जा रहा इसे तो आज एक पावर। तो भाई ये है 101 किलो का डंबल, पर इसको पहले वे करेंगे उसके बाद करेंगे कि एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है 101 से ज्यादा भारी है। और ये करेंगे कैसे? वहाँ पे है ना मशीन, उठाई कौन ले जाएगा? डगरा के लेके चले जाएंगे भाई। मशीन को ले आएंगे, ऐसा करते हैं, वो ज्यादा ईजी पड़ेगा। तो इसको वे करेंगे और इससे आज हम ट्राई करेंगे रोइंग करने की, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं पाएगा। इससे डेडलिफ्ट मारेंगे पहले तो यूं वाली, उसके बाद रोइंग करेगा। तू भी करेगा? नहीं भाई। ट्राई तो करेगा भाई, अभी बॉडी वैसे नहीं बनी, फिर बनी नहीं। ट्राई तो करेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा भाई। और किसी को भी बोले भाई करोगे ट्राई? एक हाथ से इसे पिक कर लेते हो वैसे बिना ग्रिप के? करा है कभी? करना एक बार, कोई नहीं, ऐसे ट्राई करके दिखा दो। कहीं बंदे सोचे हम झूठ उठ बोल रहे हैं। लोगों को पसीना आते हैं। ये मुझे 100 किलो का नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि 105 110 का होगा। मुझे और कम लग रहा है। देखो कम लग रहा है। मनोज भाई चला दिया। मनोज भाई तगड़ा फील कर रहे हैं। रोइंग मारने की ट्राई करेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा रह पाएंगे, पर फिर भी लेट्स सी। मैं भाई हम नहीं नाप सकते क्योंकि मैं वेट की लिमिट चेक करके आऊँ, वहाँ पे 100 किलो तक कम नाप सकते हैं बस हम। अच्छा, अभी प्री वर्कआउट पीते हैं और फटाफट इसके लिए रेडी करते हैं अपने आप को, क्योंकि वार्म अप जरूरी है भाई। 101 किलो पे डायरेक्ट जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और उसके बाद फिर हम अपना बैक का वर्कआउट करेंगे। और बैक के वर्कआउट में मैंने कुछ चेंजेस भी करे हैं, तो जो लास्ट आपने देखा था उससे आपको कुछ और सीखने के लिए मिलेगा इस वर्कआउट सेशन में, तो वो भी आप देखते रहना। वीडियो सारी ऐसे ही नॉलेजेबल आती रहेगी, तो स्किप मत करना, कहीं आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दो और आपकी बॉडी ना बने। फिर मुझे मत कहना स्टेरॉइड ले रहा है। To a maggot, big boss status. Ain't gon' lie, I really wish they would like a cabin. I ain't do no frontin', get my money on the back end. Yesterday's price ain't today. 30 किलो भारी लग रहा है, 100 किलो कैसे लगेगा? मैं 2 ही वार्म सेट कर रहा हूँ बस, अब इसके बाद डायरेक्ट वो ट्राई करूंगा, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा। एक एक रैप है अब मेन। 50 तो मार, और इसका 50 रिकॉर्ड करियो। They don't know me, son. ऐ मार तो दिया यार, बस बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। इस हाथ का भी अभी स्ट्रैप्स लगा रहे। मनोज पहले तू ट्राई करेगा? ओ भाई नहीं, पहले तू ट्राई कर मनोज। नहीं भाई, पहले तू ट्राई कर। मोटिवेशन कैसा मिलेगा? पहले मनु ट्राई करेगा। मैं पहले अपनी नहीं फटवाना चाहता ना। मैं कहा पहले कोई और दिखा दे। मेरा मनु से भरोसा उठ जाएगा अगर मनु से ये नहीं उठा दो। तगड़ा हो गए। दिखा दे आज। Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see your job. Get down in the car. One time give it all. चार रैप मारे भाई। भाई जानवर है ये भाई। चार रैप आ गए भाई। मार कैसे लिए? मार कैसे लिए पता नहीं, उठाने के बाद हल्का लग रहा था। बोल रहा था हल्का है, 20-30 किलो। अबे नहीं भाई, भारी है। है तो 100 भाई। लेफ्ट से ट्राई करते हैं, देखते हैं लेफ्ट से कितने आते हैं। मेरी हार्ट बीट तेज चल रही है। अब बेइज्जती हो जाएगी। मनोज एक रैप भी नहीं मारा था। मनोज तो है नहीं इस गेम में। नहीं कोई नहीं, मेरा काम था जिम दिखाना। और मनोज एक भी रैप नहीं लगाया, बेइज्जती होगी। दिस Set will be the tribute to him. Show what it's like when I hit my ceiling and break through. Yeah.
भाई पांच रैप मारे ट्रिब्यूट था ना भाई क्या है भाई ये बंदा हाथ से फिसल गया आखिरी रैप में नॉट नटी भाई हाथ से फिसल गया आखिरी रैप में कम ऑन भाई कम ऑन Come on! भाई मैं कितने 60 किलो का हूँ ये You just adopted the dark. I was born in it. वो चल रहा है अभी चल चल मनोज एक एक भाई क्या हो गया heavy है मैं मन उल्टे हाथ से क्यों मार रहा है पहले ये सीधा आता तेरा सीधा था ये अच्छा सीधा था क्या सकल पे 12 बजे भाई उठा दे तुम ऐसे कोई ट्राई करेगा वीडियो बना रहा हूँ चलो अब पीआर ब्रेक करते हैं इस राइट हैंड से चार रैप आए थे ना लेफ्ट से पांच आए थे तो चार को ब्रेक करेंगे अब स्ट्रैप्स अच्छे वाले आए हैं तो छह रैप कटा दो गलत बात है तुम सब मत करना कोई चीज इस चीज को देख के मोटिवेट मत होना कि भाई वेट मनोज ने भी देखो एज अ सेंसिबल पर्सन मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा वेट मानने से तुम हीरो नहीं बनते लेकिन असली में देखा जाए तो बनते हो तो वेट मारो पर अच्छे से मारो ऐसे नहीं हवाबाजी करो वो मैं कर सकता हूँ बस वो तुम मत करना ठीक है मैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या क्या नहीं कर सकता इंजरी होगी तो मुझे होगी तुम सब मत ट्राई करना तो भाई अभी हमने एक जिम से वर्कआउट कर लिया है अब आपको दूसरे जिम लेके चल रहा हूँ क्योंकि दूसरे जिम के अंदर लाइटिंग और ज्यादा बेटर है तो आपको देखने में मजा आएगा तो देखो आपको अच्छे से वीडियो दिखाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एक जिम से दूसरे जिम तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो और कमेंट कर दो कुछ भी हर्ट इमोजी कर दो ठीक है दूसरे जिम में मिलते हैं सो गाइस हम आ चुके हैं दूसरे जिम में और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एक तरीके से वार्म अप है अब बंदे बोलेंगे भाई डंबल कर तो लिया वार्म अप भी कर रहे हो तो भाई वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वार्म अप अलग होता है बॉडी बिल्डिंग का वार्म अप अलग होता है बॉडी बिल्डिंग के वार्म अप में तुम्हें क्या करना होता है अपनी मसल को एक तरीके से फील करना होता है और पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पे ब्लड पहुँचाना होता है ताकि जब तुम मेन सेट पे जाओ तो तुम अपने वार्म अप में टाइम वेस्ट ना करो तो ये अगर मशीन तुम्हारे जिम में है लैट पुल डाउन जिसमें तुम आधा वेट यूज़ कर सकते हो या फिर अपना बॉडी वेट कम कर सकते हो ये यूज़ करो वरना बैंड्स जैसे फंसा लेते हैं ना वो यूज़ करो और ग्रिप लो अपने शोल्डर से थोड़ी वाइड ऊपर जाओ बिल्कुल स्लो स्क्वीज नीचे आओ फुल स्ट्रेच ऐसे 10 से 15 रैप कोई रेंज नहीं है पर मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ 10 से 15 रैप में तुम्हें फील होने लगेगी अपनी बैक सिर्फ बैक वर्क होती हुई अपने बाइसेप फील मत करना फोरआर्म्स फील मत करना दो सेट करना जब तुम्हें लगेगा कि भाई अब फील आ गया बैक में उसके बाद लैट पुल डाउन पर शिफ्ट करना बैक का सिंपल रूल है दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल साकेत अप्लाई करता है एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल दो मेन मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं जिनकी ओर मैं देखता हूँ एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल पर मैं दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल क्योंकि मेरी वर्क कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है मुझे एक एक में मजा नहीं आता तो मेरे को दो प्रेफर करता है क्योंकि अगर आप दो एंगल से करो तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो वर्टिकल एक एंगल से कर ली एक और एंगल से वर्टिकल कर ली ना तो सेम मसल दो अलग एक्सरसाइज से हिट हो गई तो जो छोटी मसल तेरी एक एक्सरसाइज से छूट रही होगी ना वो दूसरी से ट्रेन हो जाएगी और मोस्ट ऑफ द पीपल के जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो एक ही एक्सरसाइज करके और माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता कि एक एक्सरसाइज करके वो पूरी बैक अपनी प्रॉपरली हिट कर ले तो स्टार्टिंग में कोशिश करा करो कि वेरिएशन ट्राई करो सेट्स कम कर लो कि अगर तुम चार सेट करते हो तो चार सेट के बजाय तीन सेट कर लो दो सेट कर लो लेकिन फेलियर अच्छे से फेलियर वो तुम खुद डिफाइन करोगे लेकिन पुश डेड Yeah. Si es que estás solo con ese infame, deja el salame, yeah.
atractiva. La propuesta con su precio sigue así. Que tu novio no es tan vivo, te meto mano. Yeah, fe te entera, sin ropillo, como quieras. Sé que estoy haciendo mal. Ella me dice: ay, no sé, siento que traición. Lo que So guys, workout खत्म हो चुका है और workout के बाद मैं हर रोज big muscle का gold way और एक आपने दूसरा way देखा होगा zero way नाम है उसका. ये दो way में ही मैं change करता रह रहा हूँ. कभी सुबह वो पी रहा हूँ, कभी रात को ये पी रहा हूँ, ऐसे ही रह रहा है मेरा. तो इसको एक बार मैं डाल लूँ पहले, रुको. So guys, big muscle fully tested और इसके अमीनो प्रोफाइल से लेके अमीनो स्पाइकिंग से लेके हर चीज़ का टेस्ट हो चुका है. मैं इसकी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसमें बिल्कुल भी डाउट मत करना. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये तो प्रोटीन नहीं मिलेगा इसमें, ये नहीं मिलेगा, पर मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, मैं अपनी ज़ुबान दे रहा हूँ आपको कि अगर मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ तो पहली चीज़ मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं आपको कभी भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा, ना ही मैंने आज तक करी है. आपने अगर आप मेरा पूरा हिस्ट्री उठा लोगे, मैंने अभी तक आपको कुछ भी गलत प्रमोट नहीं करा है. मेरे पे बहुत प्रमोशन आती है उल्टी सीधी चीज़ों की, लेकिन अगर ब्रांड अच्छा प्रोटीन बना रही है और इतने कम प्राइस पे दे रही है तो आप उस सब चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाओ, मैं आपको ना बताऊं, तो वो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए गलत होगा. क्योंकि जब मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू करी थी तब मैं भी सबसे सस्ता प्रोटीन, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन यही ढूंढता था, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए. तो इस समय मार्केट में बेस्ट प्राइस पे प्रोटीन यही मिल रहा है, क्वालिटी प्रोटीन की A1, प्राइस A1. तो ट्राई करो ना. बाकी मैं बिग मसल के साथ बात करके अपने 100K सब्सक्राइबर पे एक बहुत ही बड़ा गिव अवे प्लान करने वाला हूँ. वो इतना बड़ा है कि मुझे बहुत दिन चाहिए होंगे उसको डिसाइड करने के लिए. तो उसके लिए ट्यून रहना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे फॉलो कर लो. और एक टिप हिंट दे रहा हूँ, एक्टिव होना शुरू हो जाओ मेरे दोनों इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे. जितना मैं आपका यूजर नेम पढ़ूंगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बस इतना बोलना चाहूंगा, बाकी आगे कुछ नहीं. इसमें 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैंने ले लिया. इसको पीने के बाद मैं फटाफट चलता हूँ, आज का दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो चुका है. तो बस अभी मुझे थोड़ा पीस चाहिए. कैमरा बंद करो. तो यही था आज की वीडियो के लिए. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो. आजकल मैं अपनी वीडियो सारी खुद एडिट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट कि आपको वीडियो की एडिटिंग कैसे अच्छी लग रही है, या फिर अगर आपको कुछ फिक्स करना है तो आप वो भी मुझे बताओ. और गिव अवे की अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे जाके इसको फॉलो करो फटाफट. बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव अवे बहुत बड़ा होने वाला है, तो इस चांस को मिस आउट मत करना, बिल्कुल मत करना. नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा मैं इतना आपको फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये गिव अवे के लिए मैंने घर पे मम्मी से परमिशन लिया, बहन से परमिशन लिया, पापा से परमिशन लिया है, ब्रांड वालों से परमिशन लिया है, तो सबसे परमिशन लिया है. तो ये गिव अवे ग्रैंड होने वाला है. तब तक के लिए बाय.